25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। भाजपा इसे काला दिवस के रूप में मना रही है। इस मसले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि उस वक्त नागरिकों के अधिकार का हनन कर तानाशाही दिखाई गई थी और हजारों लोगों को जेल के अंदर डालने का काम किया गया था। न्यायपालिका मीडिया को स्वतंत्रता का हनन करने और देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि वास्तव में देश के लिए काला दिन था और इस प्रकार से अत्याचार इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार ने किया था। इसकी जानकारी लोगों को है और दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके, इसलिए बीजेपी आज सभी जिला मुख्यालय में काला दिवस मना रही है। 25 जून 1975 स्वतंत्र भारत में आपातकाल का काला दिवस, श्रीमती इंदिरा गांधी के तानाशाही और सत्ता की लोलुपता ने 25 जून 1975 को देश को आपातकाल में झोंकने का काम किया। जिस प्रकार से हजारों लोगों को जेल के सीखचों में डाला, न्यायपालिका और मीडिया के अधिकारों को नियंत्रित करने का काम किया, अपने विरोधियों को जेल में डालने का काम किया, जेल में डालकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया, और आज 50 साल बाद ये देश उस काला दिन को कभी भूल नहीं पाएगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने का काम करती है। न उन्हें देश के संविधान पर भरोसा है, न देश के संवैधानिक संस्था पर, और अपने सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए न केवल संविधान संवैधानिक संस्थाओं पर भी कब्जा करने का काम, उसे तोड़ने मरोड़ने का काम हमेशा किया है। ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। 90 से अधिक सरकारों को बर्खास्त करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है, संविधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके। दोबारा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके, इसलिए आज 25 जून को भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला मुख्यालयों में आपातकाल का काला दिवस मना रही है।